गुप्त नवरात्रि की कथा सुनने मात्र से मिलेगा माता रानी का भरपूर आशीर्वाद। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको गुप्त नवरात्रि की रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस बार गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 5 फरवरी 2019 मंगलवार से हो रहा है, जो कि 14 फरवरी 2019 गुरुवार तक 9 दिनों की गुप्त नवरात्रि रहेगी। और प्रत्येक वर्ष में 4 नवरात्रियां आती है। 2 प्रगट नवरात्रि होती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है। पहली जो प्रगट नवरात्रि आती है उसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है, जो कि लगभग अप्रैल या मार्च के आसपास आती है। दूसरी जो गुप्त नवरात्रि आती है वो आषाढ़ मास में आती है, जो लगभग जून जुलाई के आसपास आती है। और तीसरी जो प्रगट नवरात्रि आती है वो आषाढ़ मास के बाद में जो है आश्विन मास, जिसे कुवार मास कहा जाता है, आश्विन महीने में आती है, जो लगभग नवंबर और अक्टूबर के आसपास में आती है। उस दौरान और उसके बाद जो गुप्त नवरात्रि आती है वो माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो नवरात्रि होती है उसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि इस बार 5 फरवरी 2019 मंगलवार से प्रारंभ हो रही है, जो कि 14 फरवरी 2019 गुरुवार तक रहेगी। इस दौरान आप सिद्धि साधना, जप तप, अनुष्ठान जो भी करेंगे वो गुप्त रूप से आपको फायदेमंद साबित होंगे। इसके अलावा आपको मां दुर्गा की आराधना जिस प्रकार हम नवरात्र में करते हैं उसी प्रकार करना चाहिए, और प्रत्येक दिन पूजा पाठ करके और अंतिम दिन 9वें दिन कन्या भोजन आदि करवा करके नवरात्रि का विसर्जन और समापन करना चाहिए। हमारे पुराणों में गुप्त नवरात्रि की कथा बताई गई है। इस कथा को सुनने मात्र से जीवन में कई प्रकार के अदृश्य और अद्भुत लाभ होते हैं, क्योंकि नवरात्रि का महापर्व माता महालक्ष्मी, महालक्ष्मी और महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, त्रिदेवियों से जुड़ा हुआ महापर्व होता है। तो आप यदि तीनों देवियों माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, महाकाली जो कि शत्रुओं का विनाश करने वाली है और सभी प्रकार के कार्यों में सिद्धि देने वाली है, और माता महालक्ष्मी जो कि अन्न धन का भंडार भरने वाली है, और तीसरी देवी होती है महासरस्वती जो कि बुद्धि और विद्या की अधिष्ठात्री देवी होती है, तीनों देवियों को प्रसन्न करने का कोई त्योहार होता है तो वो नवरात्रि होती है। और नवरात्र के इस महापर्व पर यदि कोई भी भक्त जन गुप्त नवरात्रि की इस कथा को सुनता है तो उसके जीवन में उसे चमत्कारिक लाभ देखने को मिलते हैं और कई प्रकार के अदृश्य और गुप्त फायदे होते हैं। अब हम आपको गुप्त नवरात्रि की यह पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्रामाणिक और पौराणिक प्राचीन कथा इस प्रकार है। एक समय श्रृंगी ऋषि भक्त जनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक महिला, एक स्त्री निकल करके आई और करबद्ध प्रणाम करते हुए ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पतिदेव बुरे कर्मों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण से मैं कोई भी पूजा पाठ, अनुष्ठान, जप तप, दान पुण्य नहीं कर पाती हूँ। धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन मैं नहीं कर पाती हूँ। यहाँ तक कि ऋषियों को भी उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पतिदेव मांसाहारी हैं, जुआरी है, मदिरा पान करते हैं, बुरे कर्म करते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं माँ दुर्गा की सेवा करूँ और उनकी भक्ति साधना से अपने और अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों में तो आम जन परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 गुप्त नवरात्र होते हैं जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रगट नवरात्रों में
जिस प्रकार माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सहित नौ देवियों की उपासना की जाती है, उसी प्रकार गुप्त नवरात्रों में नौ देवियों के अलावा महाविद्याओं की साधना भी विशेष रूप से की जाती है। लेकिन साधनाओं की जब तक दीक्षा प्राप्त नहीं हो, श्रेष्ठ गुरु का आदेश नहीं हो, तब तक 10 महाविद्याओं की साधना नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनका बुरा परिणाम भी देखने को मिल सकता है। लेकिन नौ देवियों की श्रद्धा पूर्वक पूजा और इनके संयुक्त रूप माँ जगदम्बिका, जगत जननी जगदम्बिका, पराम्बा भगवती अम्बा की पूजन तो हर एक व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ कर सकता है, क्योंकि कहा गया है कि कुपुत्रो जाये तत् क्वचिदपि कुमाता न भवति, अर्थात कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं होती है। इसलिए भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ गुप्त नवरात्रों में विशेष करके माँ दुर्गा की आराधना करें। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी का स्वरूप जो है सर्वेश्वरी कारिणी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि संगी ने आगे कहा कि कोई भी लोभी, कामी, दुर्व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न करने वाला नास्तिक भी यदि केवल और केवल गुप्त नवरात्रों में माँ जगदम्बा की श्रद्धा पूर्वक पूजन कर लेता है, आराधना कर लेता है, साधना कर लेता है, तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहती है। इसलिए आप अन्य कोई पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं तो केवल और केवल आप गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और जैसा बन पड़े वैसा पूजन करें। जरूरी नहीं कि बहुत सारा सामान लाएं या बहुत सारा पूजन विधान संपन्न करें। आपकी जैसी श्रद्धा है वैसा आप माँ जगदम्बिका को समर्पित करें, क्योंकि माँ कहती है कि मुझे आपका वैभव नहीं चाहिए, माँ कहती है आपका धन नहीं चाहिए, माँ कहती है आपका रुपया नहीं चाहिए, मुझे तो केवल और केवल आपकी भक्ति चाहिए, आपका समर्पण चाहिए, आपकी श्रद्धा चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। बस माँ को यदि आपने इन गुप्त नवरात्रों के दौरान श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और आस्था के साथ में बुला लिया अपने घर पर और उनका पूजन कर लिया, उनकी आराधना कर ली, तो निश्चय ही माँ आपसे प्रसन्न हो जाएगी और आपके घर के सारे भंडार भर देगी और आपके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। तो ऋषि ने उस महिला को कहा कि आप इस गुप्त नवरात्रि में माँ का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और पूजन करने से आपके जो भी पाप होंगे, जो भी बुराइयाँ होगी, जो भी दुर्व्यसन होंगे या आपके पति जो भी गलत काम करते होंगे, निश्चय मानिएगा वो सब गलत काम छोड़ देंगे और सत्कर्म पर लग जाएंगे और वह स्वयं भी माता के भक्त बन जाएंगे, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का मतलब ही है गुप्त फल की प्राप्ति। और गुप्त नवरात्रि में यदि कोई भक्त श्रद्धा और भक्ति और भावना के साथ गुप्त फल की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे माँ के निमित्त 9 दिनों तक व्रत करना चाहिए। व्रत यदि नहीं कर सकते हैं तो केवल 9 दिनों तक माँ का पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि यह भी संभव नहीं हो तो माँ के निमित्त आपको जो है किसी छोटी कन्या का पूजन अर्चन करना चाहिए। 8 वर्ष की या 10 वर्ष तक की कन्या का आपको पूजन अर्चन करना चाहिए, जिसको करने मात्र से आपको माँ की पूजा का पूरा पूरा फल प्राप्त हो सकेगा। और ठीक 8वें या 9वें दिन आपको गुप्त नवरात्रि के अनुष्ठान का समापन करना चाहिए। ऐसा करने से आप गुप्त नवरात्रि का पूरा पूरा फल प्राप्त कर लेंगे और गुप्त सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएगी। और आपके घर में यदि कोई भी गलत आदत किसी व्यक्ति को लग गई है तो वह सही मार्ग पर आ जाएगा और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा, क्योंकि माता के अंदर इतनी अद्भुत और दुर्लभ शक्तियां हैं कि सारे देवी देवता जो है जब कष्ट में आते हैं, संकट में आते हैं,
तो वो माँ जगदम्बिका को पुकारते हैं। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश या अन्य सारे देवी देवता जब कष्ट में आ गए थे तो वो भी माँ दुर्गा के पास गए थे, उनकी शरण में गए थे और उनकी आराधना करने से ही उनके कष्ट दूर हुए थे। इस प्रकार उस स्त्री ने श्रृंगी ऋषि से इस वचन सुने और श्रृंगी ऋषि की आज्ञा अनुसार उसने गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान विधिवत किया और उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके पति की जो मनोवृत्ति थी वह बदल गई, वह सही रास्ते पर आ गया, सही मार्ग पर आ गया और गुप्त नवरात्रि की आराधना से उसका जीवन पुनः खिल उठा और उसके घर में सभी प्रकार की सुख शांति और समृद्धि आ गई और माँ की कृपा उसके घर और परिवार के ऊपर बरसने लगी। बोलिए जगदम्बे मात की जय, सिद्धेश्वरी माता की जय। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।